शेव लोगा, कंपाउंड ज्यादा शेव लोगा, ठीक है ना, तो कंपाउंड ज्यादा शेव लोगा। और लास्ट एक्सटेंडेड कंजुगेशन। हाँ एक्सटेंडेड कंजुगेशन का मीनिंग बताऊंगा मैं एक बार तुम्हें क्वेश्चन दे रहा हूँ उससे, और बहुत अच्छे क्वेश्चन है इसमें ना, बुक्स में भी कई जगह, कई बुक्स में गलत दे रखा तरीका, तुम इसमें जो जो तरीका मैं बताऊंगा उसी के तरीके से करना, बुक्स में तो पूरा प्रॉपर तरीके से दे रखा है। कंट्रीब्यूशन ऑफ रेजोनेटिव स्ट्रक्चर एक टॉपिक है पूरा, मैंने तुम्हें चार वर्ड में बताया सिर्फ, कंट्रीब्यूशन ऑफ रेजोनेटिव स्ट्रक्चर। पहला कहता है इफ स्ट्रक्चर, जो रूल है मैं एक बार जल्दी से रिपीट कर रहा हूँ उसको, मेरे जो लेक्चर है उसमें है, इफ स्ट्रक्चर आर इनडिस्टिंग्विशेबल देन दे विल कंट्रीब्यूट इक्वली, अगर स्ट्रक्चर एक जैसे हैं तो वो रेजोनेंस हाइब्रिड में एक जैसा कंट्रीब्यूट करेंगे बराबर का, यानी 50% 50%, जैसे ये दोनों स्ट्रक्चर एक जैसे हैं तो रेजोनेंस हाइब्रिड को बनाने में, इसको बनाने में 50% इसका कंट्रीब्यूशन होगा तो 50% इसका कंट्रीब्यूशन होगा। ये पहला रूल है। दूसरा है स्ट्रक्चर्स विद ग्रेटर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स विल कंट्रीब्यूट मोर, स्ट्रक्चर्स विद ग्रेटर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स विल कंट्रीब्यूट मोर, जैसे ये इसमें कोवेलेंट बॉन्ड चेक करोगे ना, इसमें बताओ कितने इसका रेजोनेंस बनाएंगे, पहले ये बना दिया, ये बन गया, दोनों में बताओ कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स है, देखो किसको पता लगता है अभी, दोनों में कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स है, ब्यूटा 1 3 डाई ना, ये रेजोनेंस हाइब्रिड, ये रेजोनेंस हाइब्रिड दोनों में, और इसमें कितने कोवेलेंट बॉन्ड है, इसमें कितने कोवेलेंट बॉन्ड, निकालो जल्दी से। तीसरा रूल है चार सेपरेशन होगा तो कम स्टेबिलिटी, जैसे ये है एक स्ट्रक्चर, इसमें चार सेपरेशन हो गया, ये बनाया इसका रेजोनेंट स्ट्रक्चर, ये बना O नेगेटिव डबल बॉन्ड O पॉजिटिव H, और तो इस रेजोनेंस हाइब्रिड को बनाने में, ये रेजोनेंस हाइब्रिड, इसको बनाने में ये ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, क्यों, क्योंकि इसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ रहे हैं, तो इसलिए ये ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा। और चौथा रूल तुम्हें पता है, इलेक्ट्रो नेगेटिव पे नेगेटिव रहना चाहिए, इलेक्ट्रो पॉजिटिव पॉजिटिव रहना चाहिए, उल्टा होगा तो सबसे कम कंट्रीब्यूट करेगा, उल्टा होगा तो सबसे कम कंट्रीब्यूट करेगा। ये बुक्स में लिखे हैं चार रूल ऐसे वाले, इनको फॉलो नहीं करना तुम्हें, जो मैंने रूल बताया वो फॉलो कर। इसमें समझ आ गया इसमें कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स है इसके अंदर, और इसके अंदर कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स है, 11 और 10, बहुत अच्छे, इसके अंदर 11 है कोवेलेंट बॉन्ड, सिग्मा प्लस पाई काउंट करने हैं, कोवेलेंट बॉन्ड मींस सिग्मा प्लस पाई, इसके अंदर 11 कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं और नीचे 10 हैं, और अगर तुम्हें सिंपल सोचना है तो पाई बॉन्ड देखो, सिग्मा तो कभी चेंज नहीं होते, इसमें पाई बॉन्ड एक इधर है एक इधर है, दो पाई बॉन्ड है इसमें सिर्फ एक ही पाई बॉन्ड, तो इसलिए पहला स्ट्रक्चर जो है, पहला स्ट्रक्चर ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, फर्स्ट वन विल कंट्रीब्यूट मोर टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस रेजोनेंस हाइब्रिड। ये बुक्स में लिखे हैं रूल, ये फॉलो नहीं करना, जो मैंने रूल बताया वो फॉलो करना है। जैसे मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ तुम्हें स्टेबिलिटी ऑर्डर में अरेंज करना है, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ तुम्हें स्टेबिलिटी ऑर्डर में अरेंज करना है, ये इन छह कंपाउंड्स को अरेंज करना है, इन छह कंपाउंड्स का, और आईआईटी में क्वेश्चन आएगा ना एडवांस में भी, तो आता कि विच इज द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर या विच इज द लीस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर, अरेंज करने वाला तो बहुत कम आता है, अगर आता भी है तो तीन कंपाउंड देंगे या चार देंगे, मैंने तुम्हें छह कंपाउंड दिए, इनको तुम्हें छह को अरेंज करना है, और ऐसा नहीं मैं क्वेश्चन तुम्हें वैसे ही बता रहा, मैं कहीं से देख के बोल रहा हूँ तुम्हें, मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन यही बना रहा हूँ, और तुम अगर चेक कर लेना ये क्वेश्चन और जो मेरे लेक्चर में होगा वो डिफरेंट होंगे क्वेश्चन, तो सिर्फ ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये कि क्वेश्चन तुम खुद फ्रेम कर लो, इस तरह से और नहीं सीख जाओ पूरी,
तुम्हें अरेंज करना है इसको ऑर्डर ऑफ सिविलिटी में. शरद ने आंसर निकाल लिया क्या? शरद यस सर. शरद निकाल लिया आंसर तुमने? यस सर. बहुत फास्ट है तू. चलो कुछ ना गलत सही तो अलग बात है, तुमने बहुत जल्दी निकाला आंसर. बोल जरा. बहुत अच्छे शरद. 6 4 3 5 2 1 1 तेरे अकॉर्डिंग लीस्ट टेबल. यही आना था आंसर? यस सर. चल चल शरद तूने ट्राई कर लिया, अभी और देखने थे बाकियों को. लेकिन मेरे को बहुत अच्छा लगा है शरद तूने आज सबसे पहले आंसर निकाला है और इतनी जल्दी. मेरा क्वेश्चन खत्म हो गया और आंसर तेरा आ गया. तूने लेक्चर्स कर रखे हैं ये वाले क्या? यस सर. अच्छा तो अब देख शरद एक बता, लेक्चर करने का फायदा होता है कि नहीं? यस सर बहुत फायदा होता है. हाँ मैं वही कह रहा हूँ ना, अगर टाइम मिलता है ना तो मेरे लेक्चर्स करके रखूँ. तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस मिल जाएगा ना इस साल ही कि तुम नेक्स्ट ईयर करोगे तो तुम्हें मतलब मजा आ जाएगा इसमें कि और ने कर लिया. लेक्चर्स करके रखोगे फिर अटेंड करो. चलो एक शरद ने ट्राई कर लिया, बाकी बच्चे ट्राई करेंगे. शरद भी एक बार और देख. हाँ कर. सर 6 5 4 1 2 3 6 5 4 1 2 3 चलो और देखते हैं अभी. अच्छा कर, मैंने तेरे को कल कॉल किया था तेरे डाउट्स के लिए. सर कल मैं सो गया था सर. अच्छा कुछ हुआ था? मैंने एक तो तेरे ना जो तूने क्वेश्चन पूछे हुए हैं उसमें K2Cr2O7 होगा. तूने पता नहीं तू किससे कर रहा है क्वेश्चन की क्वेश्चन ही मतलब कंपाउंड का वो फॉर्मूला ही गलत लिखा हुआ है. हाँ सर वो पेपर में करेक्शन थी वो. हाँ मैं भी कह रहा हूँ ये तो फिर इतना ऐसे अजीब से लिखा हुआ है. पूछ ले वो बहुत सिंपल है. रेडॉक्स मेरे लेक्चर कर लेना तू. रेडॉक्स हाइड्रेशन के मेरे लेक्चर कर लेगा तेरे को अपने आप क्लियर हो जाएगा. ठीक है सर. हाँ एक बार रेडॉक्स हाइड्रेशन के मैंने जो क्वेश्चन कराया ना उसको तू एक बार देख ले. 3 या 4 क्वेश्चन नहीं देख लेगा ना तू अगर अच्छे वाले क्वेश्चन, तेरे से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इसके. ये क्योंकि दोनों क्वेश्चन बहुत ईजी. ठीक है सर. बहुत सारे बच्चों ने आंसर भेज दिए हैं. सर मैं बोलूँ गर्व? हाँ गर्व बोल. सर 6 4 3 5 1 2 6 4 3 5 1 2 ये आंसर है. 6 4 3 5 1 2 नित्य का भी आंसर यही है. 6 4 3 5 1 2 ये गर्व का आंसर है और नित्य झा का आंसर यही है. और किसी का बिल्कुल सही आंसर है ये वाला. तेरे को शरद अपनी गलती समझ आ गई क्या? एक ही गलत हुआ है शायद तेरा. छवि का भी आंसर यही है. सर मैंने 1 और 2 की जगह थोड़ा उल्टा कर दिया. हाँ तूने 2 और 1 किया सर. बस ये गलती हुई है बाकी तेरा सही है. सर मेरे से भी ये मिस्टेक हुई है. 1 और 2 किससे? अर्जुन. अर्जुन अच्छा चलो कुछ नहीं होता. अर्जुन तूने लेक्चर पढ़े हैं क्या अभी? नहीं. चलो एक बार हैंड सेस करना है. अर्जुन तूने डायरेक्ट किया है आंसर ही? यस सर. रूल फॉलो करेगा तो हो रहे हैं ना उसे? रूल फॉलो कर पूरा. हाँ रूल सही करें. पहले ऑक्टेट देखो फिर मिनिमम 4 से मतलब फिर प्लस माइनस का देखो फिर मिनिमम 4 से. हाँ ये रूल फॉलो करना है. लास्ट वाला रूल ना मेरे क्वेश्चन करने के बाद ज्यादा क्लियर होगा. अच्छा अब एक बार हैंड सेस करना है. जिसने 6 4 3 5 1 2 किया है, जिसने 6 4 3 5 1 2 किया है नव्या गर्व प्रिया आन्या लक्षिता कृष्णा युविका नित्या जानवी छवि 10 बच्चों ने. इसमें 11th का गर्व है. गर्व के तेरा सही हुआ है. 11 साल बच्चों में किसी का सही नहीं हुआ. और सर मैंने 2-1 करा था वहां पे. अच्छा तेरा भी हिमांग का भी गलत हुआ है. हिमांग ने लेक्चर किया नहीं? नहीं सर अभी किया नहीं सर, टाइम नहीं मिला. वो ट्राई करूंगा एक बार आपसे मांग लूंगा. हां हां अच्छा अब मैं एक बार आंसर बता रहा हूँ फिर देखना किसको समझ आ गया. रूल फॉलो करो सिर्फ. पहला रूल ऑक्टेट कंप्लीशन होना चाहिए. ऑक्टेट कंप्लीशन अगर तुम चेक करोगे तो सिर्फ यही एक कंपाउंड है जिसके अंदर 3 pi bond और किसी में तो नहीं है ना 3 pi bond. तो इसका मतलब इसके अंदर ऑक्टेट कंप्लीशन है. जिसमें अगर एक ही टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं, ये 6 एक ही कंपाउंड के स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं तो जिसमें ज्यादा बॉन्ड्स उसमें ज्यादा स्टेबिलिटी. तो सबसे ज्यादा स्टेबल 6-1 सबसे ज्यादा स्टेबल होगा 6-1. फिर अब सेकंड नंबर पे क्या चेक करना है मेरे को?
सेकंड नंबर पे क्या चेक करना है, इलेक्ट्रो नेगेटिव पे नेगेटिव, इलेक्ट्रो पॉजिटिव पे पॉजिटिव। अर्जुन म्यूट कर ले एक बार, इलेक्ट्रो नेगेटिव पे नेगेटिव, इलेक्ट्रो पॉजिटिव पे पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रो नेगेटिव पे नेगेटिव, इलेक्ट्रो पॉजिटिव पे पॉजिटिव आ रहा है फोर्थ और फिफ्थ, सॉरी थर्ड और फोर्थ। थर्ड में देखो ऑक्सीजन पे नेगेटिव आया, फोर्थ में देखो ऑक्सीजन पे नेगेटिव आया, और किसी में तो नहीं हो रहा ना ऐसा, इसीलिए थर्ड और फोर्थ ज्यादा स्टेबल होंगे अब सिक्स्थ के बाद। सिक्स्थ के बाद अब मिनिमम चार सेपरेशन है फोर्थ में, फिर थर्ड में। थर्ड में तो चार सेपरेशन बहुत ज्यादा है ना, तो इसलिए पहले फोर्थ आएगा। इलेक्ट्रो नेगेटिव पे नेगेटिव था, इलेक्ट्रो पॉजिटिव पॉजिटिव था, सेम केस थर्ड में भी था, लेकिन थर्ड में चार सेपरेशन ज्यादा है इसलिए थ्री आ गया। अब आ गया वन टू और फाइव, फाइव में चार सेपरेशन मिनिमम है, सब में कार्बन पे पॉजिटिव, कार्बन पे ही नेगेटिव आ रहा है तीनों स्ट्रक्चर में वन टू और फाइव में, लेकिन चार सेपरेशन मिनिमम किसमें है, फिफ्थ वाले में। चार सेपरेशन मिनिमम किसमें, फिफ्थ वाले में, इसलिए इसलिए कौन सा आ जाएगा फिफ्थ। और उसके बाद वन और टू की बात करते हैं, अगर वन और टू की बात करें तो वन वाले में जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए वही है, इसी के अंदर एक्सटेंडेड टाइप का कन्फ्यूजन चलेगा। देखो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन यही होना चाहिए ना, इधर फिर इधर फिर इधर, यही होना चाहिए कि नहीं, यानी इस कारण पे नेगेटिव आना चाहिए और इस कारण पे पॉजिटिव, वही आ रहा है सेम वन के अंदर। टू में तो उल्टा कर दिया ना, विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है ये और वो उल्टा भेज रहा है इलेक्ट्रॉन, नहीं समझ आई बात सर? आगे सही ना, जिस पहला सेक्टर चेक कर लो न्यूट्रल वाला सेक्टर, उसमें देखो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग तुम पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज लगाओ। तो इसलिए पहले आ जाएगा वन फिर आएगा टू, ये क्वेश्चन था पूरा। अब एक बार हैंड सेस करना जिसको समझ आ गया ये रूल, इस तरीके से तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा जो मैं जिस तरीके से मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, बहुत इजी तरीका है, सारे क्वेश्चन सही निकलेंगे, रूल फॉलो करो बस। आर्यमन, गर्व, गर्व सिंगल, अर्जुन, युविका, शरद, निकिता, आन्या, आर्यन, जानवी, प्रिया, नव्या, पूर्वांश, कृष, लवनिका, दृष्टि, हिमांग, छवि, प्रवीण, भव्या, नित्या, ध्वनि, मयंक, अरिंदर, रिदम, कृष्णा, वैभव, नीलांश, अंजलि, निमिषा, दिशा, अरुषि, सौम्या, ध्रुव, ध्रुव देव रह गया, देव देव चलो। अच्छा एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और ट्राई करना, सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच माइनस सी एच प्लस ओ सी एच थ्री, सेकेंड केस सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच माइनस सी एच डबल बॉन्ड ओ प्लस सी एच थ्री, तीसरा सी एच टू माइनस सी एच डबल बॉन्ड सी एच प्लस ओ सी एच थ्री, चौथा CH2 plus CH double bond CH minus OCH3, CH2 double bond CH CH plus minus OCH3, चैप्टर सी एच टू माइनस सी एच डबल बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड ओ प्लस सी एच थ्री, चैप्टर सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड सी एच ओ सी एच, सात कंपाउंड दिए अरेंज करो ऑर्डर ऑफ सिविलिटी। दो क्वेश्चन करवाए मैं, यही क्वेश्चन एक और करवा रहा हूँ, फिर अब आगे करेंगे। शरद यस सर, शरद तेरी आवाज धीरे आ रही है बहुत,
यस सर, अब आ रही है। हाँ सर, चलो एक बात बता, अब तेरे को मैसेज आया था कि क्लासेस ज्यादा हो रही हैं, सही ना? तेरा भी आया था, गर्व का भी आया और ध्रुव का भी और बच्चों का भी आया था मैसेज। प्रैक्टिस ना करवाऊं क्या? कितने क्वेश्चन टोटल मैंने कितने 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए हैं सिर्फ। यस सर, बता, प्रैक्टिस करानी पड़ेगी। बात मान, 3-4 महीने कर ले, तेरा अपने आप इंटरेस्ट बैठ गया ना। जैसे 3 दिन की छुट्टी आई है अभी, फ्राइडे सैटरडे संडे, अब 3 दिन पूरी ताकत लगा दे, ढंग से पढ़ ले, पूरा दिन रात एक करके पढ़ ले 3 दिन। 1.5 साल की मेहनत कर ले ढंग से, तो खुद कहेगा सर कॉलेज अच्छा मिल गया ना, तो खुद कहेगा सर आपने सही बोला था, बिल्कुल अच्छा, वो मैंने ऑर्गेनिक 11th पे कर दिया। ओके, समझिए कि नहीं है? हाँ, तो ट्राई कर थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा प्रेशराइज कर अपने आपको, काम कर जाएगा सारा। तो ओके सर, चलो एक बार ट्राई करो। 7 क्वेश्चन, ये 7 पार्ट दिए मैंने, ये लास्ट क्वेश्चन हो। सर आंसर बताएं। हाँ, कौन बोलेगा आंसर अब? शरद और अर्जुन, दो बच्चों ने किया 11th, गर्व 3, हिमांग 4, गर्व सिंगल 5, 11th के हैं। 12th वाले बच्चों में किसी ने नहीं किया है? आर्यन, मयंक, दो बच्चे हैं, नित्या 3, नव्या 4, आन्या 5, 5 अभी 11th के हैं और 5 12th के, छवि 6, ध्वनि 7। चलो 6 बच्चे 11th के, 6 बच्चे 12th के, और किसी से नहीं हुआ है, पूरी क्लास से होना चाहिए था भी। ये जो पहला क्वेश्चन एक्सप्लेन किया, जो रूल्स फॉलो करेगा सब कर लोगे फिर। ये बस ये चक्कर है कि क्वेश्चन किया किसने, गलत सही बात की बात है। अब हिमांग एक बार आंसर बोल पहले। सर 7, फिर 2, 6, 7, 1, 5। ये हिमांग, हिमांग धीरे बोल थोड़ा सा। 7, फिर 2, हाँ 6, 7, 2 के बाद है 6, 7, 2, 6 आगे 1, 1, 5, 5, हाँ 4, 3, 4 के बाद 3, 3। अब इसमें ना थोड़ा सा चेंज रहेगा इस क्वेश्चन, मैंने ना क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट दे दिया। सर मैं बोलूंगा, हाँ। गर्व अर्जुन, हाँ हाँ गर्व, गर्व यस सर। सर 7, 2, 6, 5, 4, 1, 3, 7, 2, 7, 6, 2, 6,
अब एक चीज पहले तो ना एक क्वेश्चन है, सही अच्छा ट्राई किया तुमने, हमने अच्छा ट्राई किया, लेकिन पहले ना हाँ बोलो सर 7 2 6 1 5 3 4 1 5 3 4 अच्छा अब एक चीज पहले हाँ शरद 7 6 7 2 6 1 5 4 3 1 5 नहीं अभी अब एक बार देख लेंगे, मैंने देख लिया सभी देख लिया आंसर एक बार ना, पहले डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जरूर देखना हमेशा, फिर मिनिमम चार्ज सेपरेशन भी फेल हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन चेक करो, दिस शुड बी द डायरेक्शन ऑफ फ्लो इलेक्ट्रॉन्स, ये होना चाहिए, जिसमें यह डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है वो तो बिल्कुल गलत है, जैसे ये फिफ्थ वाला स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करेगा, नेगेटिव आ गया ना यहाँ पे नेगेटिव और ये नोड पे रिपल्शन कितनी ज्यादा होंगी, चाहे मिनिमम चार्ज सेपरेशन है फिर भी लीस्ट स्टेबल है, सेम केस होगा इसके अंदर भी डायरेक्शन ऑफ फ्लो इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन जाने चाहिए ऐसे ऐसे जा इसमें कैसे रहे हैं इधर की तरफ उल्टा जगह है कि नहीं, इस वाले किस में नेगेटिव और ये लोन पेयर रिपल्शन बहुत ज्यादा होगी, ये सिक्टर भी किसने करेगा, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही गलत है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही गलत, समझ गया मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, फोर्थ और फिफ्थ में, फोर्थ और फिफ्थ समझ आ गया कि नहीं, यस सर आ गया, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही गलत है इसके अंदर, इसलिए ये तो पॉसिबल नहीं हो पाएंगे सेक्टर दोनों, अब अगर मैंने 1 2 3 4 1 2 3 6 7 दिया होता तब आंसर क्या होता, 1 2 3 6 7 दिया होता तो आंसर क्या होता सर 7 2 6 7 4 नहीं 7 2 6 7 3 7 2 6 1 3 वैभव बोल रहा हूँ सर, वैभव यस सर हाँ बोल वैभव सर 7 2 6 1 3 7 2 6 7 2 6 1 और 3 बहुत अच्छे वैभव बिल्कुल सही आंसर है 7 2 6 1 3 बिल्कुल सही आंसर है ये, और 4 और 5 में क्या आएगा, 4 और 5 में अगर मान लो दिया होता इसके बाद ये तो लीस्ट लेवल है सर 5 4 5 4 5 पे अब ऑर्डर समझ आ गया पूरा 5 4 अब ऑर्डर पूरा समझ आ गया कि नहीं 5 4 पीछे हो गया समझ आ गया सर, मतलब हमें ये चेक करना पहले फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या ऑक्टेट पहले करें, बिल्कुल पहले फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जरूर देखना है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, ये तो स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं, जैसे ये मैं तुम्हें बता देता हूं, एक एक क्वेश्चन देख अभी मैं इस पे दोबारा आता हूं, एक बार देखो जरा, जैसे ये है मान लो मैं क्वेश्चन लेता हूँ, ये ले लिया सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच सी डबल बॉन्ड ओ एच है, ये है तो तुम इलेक्ट्रॉन इसमें ऐसे ही भेजोगे ना, ये इलेक्ट्रॉन इधर और ये आ गया यहाँ पे पॉजिटिव सी एच डबल बॉन्ड सी ओ नेगेटिव एच, ये आएगा ना, अब मैं इलेक्ट्रॉन ऐसे तो नहीं भेज सकता ना, देखो इधर इस स्ट्रक्चर के अंदर ये इलेक्ट्रॉन इधर तो स्ट्रक्चर क्या आएगा, ये नेगेटिव सी एच डबल बॉन्ड सी ओ पॉजिटिव एच, इस टाइप का तो नहीं बनेगा ना, तो मैं ये बोलूंगा डायरेक्शन ऑफ फ्लो इलेक्ट्रॉन उल्टा तो जाएगा नहीं करेगा, वो तो स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए मैंने एक्सटेंडेड कंक्लूजन लिखा था लास्ट में कि वो समझ जरूर आना चाहिए तुम्हें, नहीं समझ आया अभी तो सर, ये मतलब ये एंड में रहेंगे ट्रिपल बॉन्ड मार्क इसमें, जो पॉसिबल नहीं है स्ट्रक्चर उनको एंड में लेना, जो पॉसिबल नहीं है स्ट्रक्चर उनको एंड में लेना, सही है ओके सर, कुछ समझ आया कि नहीं कंट्रीब्यूशन ऑफ रेजोनेंट स्ट्रक्चर्स में, अच्छा एक बार हैंड शेक करना जिसको समझ आ गया पूरा, जिसको समझ आ गए कहोगे तो एक क्वेश्चन और मैं दे दूंगा, लेकिन दो दे दिए इसके क्वेश्चन और दो क्वेश्चन दिए थे मैंने माइनस सेवन के, टोटल क्वेश्चन तुम चेक करोगे ना आज मैंने चार ही क्वेश्चन करवाए हैं, सिर्फ आज चार ही क्वेश्चन हुए हैं सिर्फ, अर्जुन कृष गर्व शरद वैभव गर्व आरुषि कृष्णा निकिता आन्या आर्यमन प्रिया लवनिका हिमांग सौम्या जानवी देव अंजलि ध्वनि छवि मयंक नव्या युविका रिदम आर्यन हरिंदर भव्या दृष्टि नित्या नीलांश दिशा
निमिषा, पूर्वांश, दो बच्चे रह गए ध्रुव और प्रवीण। प्रवीण प्रवीण आ गया सर, वो प्रॉब्लम। अच्छा सही, और ध्रुव सही सही। और प्रवीण मेरे को तू कोई मैसेज नहीं कर रहा कि तूने कितना किया कितना नहीं किया, और सुना भी नहीं रहा बिल्कुल। प्रवीण तेरा नंबर देख, नंबर भी कम आया ना उसमें बायोमोलिक्यूल्स में। मैं तभी कह रहा हूँ नहीं सुनाएगा ना प्रवीण, तू चैप्टर याद कर मेरे को सुना दे, मैं कितनी बार बोलूंगा तेरे को। ठीक है सर। और बाकी बच्चे भी जिनको कोई दिक्कत है मेरे से बात करो, तो कोई बात करनी है कुछ दिक्कत आ रही सुनाना, अगर तुम चाहोगे तो मेरे को सुना दो, तुम अलग से मेरे को मैसेज कर दो, मैं तुम्हें तुमसे कुछ सुन लूंगा। एक एक चैप्टर करते जाओ और सुनाते जाओ, तो तुम्हें बहुत बेनिफिट मिलेगा इससे, और इस चीज को मिस नहीं करना बिल्कुल भी। और लेक्चर जो मैंने कराया है उसको क्लास खत्म होते ही 10 मिनट लगाओ, 10 से 15 मिनट लगेंगे रिपीट करने में, उसको रिपीट कर लो। कल क्लास तुम्हारी 3:30 बजे है, सही ना? 3:30 बजे, किसी को दिक्कत तो नहीं है? पीरियडिक प्रैक्टिस की क्लास होगी सर, हाइब्रिड है सर, हाइब्रिड है। हाँ हाइब्रिड होगा सर, दो सेशन होंगे। हाँ किसी को पूछना है कुछ, मैं तुम्हें दोबारा बोल रहा हूँ, 3 दिन है, 3 दिन ढंग से मेहनत कर लेना। अभी आप एक और क्वेश्चन दे रहे थे ना, एक और क्वेश्चन दे दू क्या? यस सर। कल की टाइमिंग्स क्या है सर? 3:30 चलो एक क्वेश्चन लिख लो फिर, जब बोल रहे हो जल्दी से आंसर बोलना है सर। हमारी क्लास नहीं है किसकी? 12th वालों की। पीरियडिक प्रैक्टिस है, सबकी क्लास है, पीरियडिक प्रैक्टिस चल रहा है ना, ये तुम्हें फायदा मिलेगा इसमें, रिपीट कर लोगे तो। सही है मयंक? यस सर। ये मैंने एक ही टाइप का क्वेश्चन कराया सबको, सर इसमें n पॉजिटिव और o नेगेटिव, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बना लेगा ना वो? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, हाँ वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड। चलो अभी ये अरेंज करना है, 5 कप और दिए जल्दी आंसर बताएंगे, तब तो सही होना चाहिए। सर बताओ। हाँ कौन बोलेगा? अर्जुन। अर्जुन हाँ अर्जुन बोल। सर 5 4 2 3 1 5 4 2 3 1 ये आंसर है आर्यन का। 5 4 2 1 3 5 4 2 1 3 आर्यन का है, अर्जुन का है 5 4 2 3 1 यही अर्जुन 5 4 3 3 2 1 है। 3 2 1 किसका है? एक मिनट सर। शरद। हाँ शरद बोल जल्दी।
5 4 2 1 3 हैंड से करेंगे जिसने लिखा है 5 4 2 1 3 जिसका आंसर है वो सही है बिल्कुल खुद चेक करना इसमें मैंने जानबूझ के कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया है ये भी प्लस माइनस है सब में प्लस माइनस हटाओ कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ये प्लस माइनस हटाया कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्लस माइनस हटा दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये भी ऊपर से प्लस माइनस हटा दो ये भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड है प्लस माइनस हटा दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड लगा दो समझ गए कि नहीं 5 4 2 1 3 किसका आंसर है देखो अभी भी तुम्हें समझ नहीं आ रहा फिर तो बड़ी दिक्कत है अर्जुन शरद प्रिया प्रवीण आर्यन नव्या कृष आरुषि मयंक आर्यमन छवि दिशा अंजलि गर्व इतने बच्चों का आंसर है कृष्णा पूर्वांश जिसका ये ट्राई खुद करना है सही ना ट्राई खुद करना है मैंने सर लेकिन बिना मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड के भी हो जाएगा अगर रूल्स फॉलो करे बस हाँ रूल्स फॉलो करके हो जाएगा इसमें कोई फर्क नहीं है फॉलो करके सेकंड रूल लगेगा इसमें ज्यादा 5 4 2 1 चलो अभी तुम्हें अभी क्लियर हो गया होगा मैं इसका रीजन नहीं दे रहा हूँ रीजन तुम्हें आना चाहिए इसमें खुद ये आंसर थे ना चलो कल क्लास में मिलेंगे और आगे होमवर्क करके आना होमवर्क मिस मत करना बिल्कुल ऑर्गेनिक का होमवर्क मिस नहीं करना वो चेक होगा जरूर सारे चैप्टर के फॉर्मुलेज वेस्पर थ्योरी सफिक्स प्रीफिक्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑर्गेनिक वाला होमवर्क जो है हाइपरकंजुगेटिव स्ट्रक्चर और रेजोनेंट स्ट्रक्चर वो सब करके आना काम और 7 सितंबर को जो टेस्ट है उसके लिए रेडी रहना